गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास, आज हम आपका लेसन नंबर 15 करेंगे, द मैजिशियन। इससे पहले हम आपकी पोएम कर चुके हैं वन फाइन डे, ठीक है। तो आज हम, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपने कर लिए होंगे। आज हम आपका नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लेसन नंबर 15। एक लेसन है द मैजिशियन। सबसे पहले कौन मैजिशियन होता, कौन है? जादूगर, ठीक है। मैजिशियन कौन होता है? जादूगर, जो आपको मैजिक दिखाता है। आपने देखा होगा ना, स्कूल में एक आध बार आया होगा, वो अपने अच्छे अच्छे ट्रिक दिखाता है ना, आपको एंटरटेन करता है। कौन होता है? वो होता है मैजिशियन, जादू करता है। गलियों में भी देखा होगा आपने, आते ना जादूगर, तो वो है आपका मैजिशियन। देखें इसमें भी एक शायद स्कूल की स्टोरी है ये। स्कूल में आते रहते हैं मैजिशियन बच्चों को दिखाने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए, तो शायद यहाँ पर भी कोई मैजिशियन स्कूल में आया है। देखते हैं क्या करता है वो, है ना। मिस्टर ए के शर्मा इज अ मैजिशियन। मिस्टर ए के शर्मा, जो ए के शर्मा है, नाम है, इज अ मैजिशियन, एक जादूगर है। जादूगर का नाम क्या है बेटा? ए के शर्मा। ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज मैजिक। वो अपने जादू के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फेमस कौन होता है? जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हो, यानी कि बहुत ही अच्छा जादूगर हो, जिसको सब जानते हों, पहचानते हों, वो होगा फेमस, यानी कि ठीक है, बहुत ही ग्रेट था वो। ही हैज़ कम टू रमन स्कूल टू शो हिज मैजिक। वो कहाँ पे आया? ही हैज़ कम टू रमन स्कूल, एक लड़का है रमन, उसके स्कूल में आया टू शो हिज मैजिक, अपना जादू दिखाने के लिए। किसके स्कूल में आया? क्या नाम है उस लड़के का? रमन, ठीक है, रमन। अब वो देखो मैजिशियन क्या बोलता है रमन को। रमन, दिस इज़ अ बॉल, ये एक बॉल है, देखो उसके हाथ में बॉल है, एंड दिस इज़ माई हैंकरचीफ, और ये मेरा रुमाल है। देखो जादूगर के हाथ में पहली पिक्चर में एक बॉल है और एक क्या है? रुमाल है। रमन, पुट माई हैंकरचीफ ऑन द बॉल। क्या कहता है मैजिशियन कि जो रमन, ये जो मेरा हैंकरचीफ है, जो मेरा रुमाल है, उसको आप बॉल के ऊपर रख दो, मीन्स उसको ढक दो प्लीज़, ठीक है। उसको प्लीज़ करके बोलता है कि प्लीज़ आप भी जो मेरा रुमाल है, इसको बॉल के ऊपर ढक दीजिए। उसके बाद आप देखो थर्ड पिक्चर में नीचे आ जाओ। रमन, नाउ सी माई मैजिक। रमन, जादूगर कहता है, देखो अब मेरा मैजिक। आई पिक अप माई हैंकरचीफ, लुक, देखो, आई पिक अप माई हैंकरचीफ। पिक अप मतलब उठाऊंगा, कि अब मैं अपना जो हैंकरचीफ है, जो रुमाल है, उसको उठाऊंगा, ठीक है। तो रमन क्या बोलता है? वाओ, इट्स एन ऑरेंज। जो बॉल है वो किस में बदल गई बेटा? ऑरेंज बन गया। बॉल का क्या बन गया? ऑरेंज बन गया। उसने अपने जादू से, बोलते ना आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, कुछ ऐसा बोलते हैं ना जादूगर, तो देखो उसने भी कुछ ऐसा अपना बोला होगा, है ना। और बॉल किस में चेंज होगी? ऑरेंज में। इसके बाद देखो फोर्थ पिक्चर में, रमन, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, एंड टेल व्हाट इज़ इन माई हैट। अब रमन को अपनी टोपी दिखाता है, देखो फोर्थ पिक्चर में दिखा रहा है ना, तो क्या बोलता है? रमन, देखो व्हाट इज़ इन माई हैट, मेरी टोपी में क्या है? रमन क्या बोलता है? देखो नथिंग। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। उसे अपनी टोपी देखो दिखा रहा है ना उसको अंदर से, तो क्या कहता है? देखो मेरी टोपी में कुछ दिख रहा है? तो रमन क्या बोलता है? नथिंग, कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को। तो नेक्स्ट पेज पे, नाउ पुट माई हैट ऑन द टेबल। अब वो क्या कहता है मैजिशियन कि जो मेरी हैट है, आप उसको टेबल पे रख दीजिए, मेरी हैट को टेबल पे रख दीजिए। नाउ आई पिक अप माई हैट। अब फिर से मैजिशियन बोलता है कि देखो अब मैं अपनी हैट को उठाऊंगा, पिकअप करूंगा। इट्स अ ब्यूटिफुल फैट पिजन। और जैसे ही उसने अपनी टोपी उठाई, उसके अंदर से क्या निकला बेटा? अ ब्यूटिफुल फैट पिजन, एक मोटा ताजा कबूतर निकला। देखो पिक्चर में है ना, तो क्या निकला? एक कबूतर निकला। रमन क्या बोलता है? इट्स अ पिजन, अरे ये तो एक कबूतर है। अब फिर से देखो मैजिशियन क्या बोलता है। रमन, नाउ इट इज़ माई लास्ट ट्रिक।
अब रमन जो मैजिशियन है वो रमन को क्या बोलता है, नाउ इट इज़ माई लास्ट ट्रिक, ये मेरी आखिरी ट्रिक है। उसने दो ट्रिक दिखाई ना, पहली कौन सी दिखाई, एक बॉल ली, बॉल को किस चीज़ से ढका, अपने हैंकरचीफ से ढका, और बॉल किस में कन्वर्ट होगी, क्या बन गई बॉल, बॉल का ऑरेंज बन गया। और दूसरी क्या चीज़ थी कि उसने अपनी हैट को टेबल पे रखा, हैट के अंदर से क्या निकला, एक मोटा ताजा कबूतर निकला, है ना। और वो अब तीसरी और आखिरी ट्रिक दिखाएगा, ठीक है। रमन को क्या कहता है, इट इज़ माई लास्ट ट्रिक, ये मेरी आखिरी ट्रिक है। देखिए कौन सी ट्रिक है, नेक्स्ट पेज पे, दीज आर पीस ऑफ पेपर, देखो ये पीस ऑफ पेपर है, मीन्स कागज के टुकड़े हैं, एंड आई कवर देम विद माई टॉवल। टॉवल क्या होता है, तौलिया होता है ना, कि देखो आपको दिख रहे हैं टेबल पे छोटे छोटे पेपर्स के रखे हैं, पीस रखे हैं, और उसने इसको अपने ग्रीन टॉवल से ढक दिया, है ना। आई कवर देम, कवर मतलब बेटा ढक देना, ठीक है, उसको ढक दिया। रमन पिक अप माई टॉवल, रमन को क्या बोलता है, अब वो खुद रमन को बोलता है, अब तक तो उसने अपने आप उठाया, टोपी को अपने आप उठाया, हैंकरचीफ को उठाया, अब क्या बोलता है कि पिक अप द टॉवल, अब इस टॉवल को रमन तुम उठाओ। और रमन को देखो क्या मिला जब उसने टॉवल उठाया, वाओ टॉफीज, अरे वाह क्या मिला, टॉफीज। नाउ डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज अमंग द स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, बांटना, ठीक है, बांटना। अब मैजिशियन क्या बोलता है, नाउ डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज, अब इन टॉफीज को बांट दो अमंग द स्टूडेंट, जितने भी आपकी क्लास के बच्चे हैं इन सब में इन टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि सबको एक एक टॉफी दे दो, ठीक है। इंटरेस्टिंग था ना, छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया पढ़ के। आप आई होप आप सब लोग वीडियो देखेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को पेज वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा जो आपका एक्सरसाइज का पेज नंबर 89 है, छोटा सा होमवर्क दूंगी बिल्कुल टिक वाला, ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर, आप उसको कोशिश करेंगे, जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे ना, इस लेसन को पढ़ेंगे तो फटाफट आंसर्स देंगे, ठीक है। मुझे भी पता चले ना कि आप लोगों ने कितना किया है, क्लियर। तो फर्स्ट क्लास कितने हैं, बस इसके दो ही हैं, ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर के टू ही हैं, आप ये करेंगे, ओके। और इसके बाद मैं आपको कल नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है, आगे वाले कराऊंगी, ठीक है, सेकंड क्लास, ओके।